आज पूरे देश के लोगों की मानसिकता का अध्ययन करें तो सभी के अंदर एक गहरी नकारात्मकता प्रवेश कर चुकी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि बीमारी तो अपना प्रकोप दिखा ही रही है, संसाधन तो कम पड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मना शक्ति सभी की कमजोर होती गई है। कई केस तो ऐसे आए कि उन्हें कोरोना हो गया पर वह कोरोना के कारण नहीं, हार्ट अटैक से मर गए। मतलब कोरोना होने पर इतना डर गए कि वह डर मृत्यु का कारण बन गया। प्रश्न यह उठता है कि ऐसी नकारात्मकता आई कैसे और इससे निपटे कैसे। आज सारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी में कोरोना से होने वाली भयावह मृत्यु, दाह संस्कार आदि की वीडियो दिखाई जा रही है। यह तो सत्य है कि मृत्यु हो रही है, शमशान में अग्नि ठंडी नहीं हो पा रही है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत मची है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हम तो कामना करते हैं कि सारी व्यवस्थाएं शीघ्र सुधरें, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है तब तक हम सकारात्मक तो सोच सकते हैं उनके लिए जो कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। इन सब के बीच बचने वालों की संख्या भी बहुत है। मृत्यु दर 2 या 3% है तो बचने वालों की संख्या 97% है। 97 संख्या बड़ी है कि 3, लेकिन 2-3% को इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति इसी 2-3% में स्वयं को देख लेता है और हड़बड़ा जाता है, बेचैन हो जाता है, उसका पेशेंस खत्म हो जाता है और यही भय जो हमने क्रिएट किया है मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बन गया है। अतः हमारी जिम्मेदारी है कि कोरोना पेशेंट को ऐसे वीडियो दिखाएं जो उनके मन को ऊर्जा से भरें, प्रसन्न चित्त माहौल क्रिएट करें। एक अस्पताल का वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूं जो मेरे पास आया था। कोरोना पेशेंट को सबलता दें, मानसिक बल, आत्मिक बल जगाएं, इतना तो हम कर ही सकते हैं और उनके लिए परमात्मा से सदा दुआ करें। जय जिनेंद्र।